हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल। तो आज आप आए हैं हेयर विद मी सुष्मिता टू गेट योर मार्च 2022 की टैरो रीडिंग। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आप ऑलरेडी मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि इस पॉइंट पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप करिएगा वीडियो को पॉज ताकि आप फोकस कर सकें एंड डिवाइन एंजल से रिक्वेस्ट कर सकें कि वो आपको बेस्ट पॉसिबल मैसेजेस दें। ओके कैप्रिकॉर्न, देखते हैं मार्च 2022 की जनरल एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड और ये हमारा थर्ड कार्ड। तो ये ओवरऑल होने वाला है, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक टू करियर, रोमांस, एनीथिंग। ये जनरल एनर्जीज है जिसके साथ आपका महीना चलेगा। ओके, फर्स्ट कार्ड है मेरे पास द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है मेरे पास द क्वीन ऑफ कप्स एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पेंटिकल्स की एनर्जी हैवी है, फाइनेंस रिलेटेड प्रैक्टिकल थिंग्स उनके बारे में ज़्यादा हैवी है। प्लस मैं देखती हूँ ये जो भी फाइनेंशियल चीज़ है, मनी रिलेटेड है, प्रैक्टिकल है, इससे आप बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं। ये एक कोई प्रोजेक्ट हो सकता है आपके ऑफिस में कैप्रिकॉर्न, या फिर आपके घर में कोई बातचीत हो सकती है किसी एक बड़े काम को लेकर, पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर, घर बनाने को लेकर, फैमिली की स्टेबिलिटी को लेकर। यहाँ पे मुझे बच्चों की प्लानिंग यानी कि कंसीव करने की प्लानिंग को लेकर भी यहाँ पे बहुत मैं देखती हूँ इंटेंस एनर्जी है आपके लिए। फ्यूचर में विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आई सी कि आपको गाइड करने वाला एक स्ट्रॉन्ग मेंटर आपकी लाइफ में आ सकता है एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कैप्रिकॉर्न, ताकि आप इस सिचुएशन से आगे जा सकें। तो चलिए मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स मोर ऑफ योर रोमांटिक लाइफ। देखते हैं आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की कैसी फीलिंग्स हैं व्हेन इट कम्स टू लव एंड रोमांस। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है मेरा फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। अगेन यहाँ पे फाइनेंसेस की बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मन में आपके कुछ फाइनेंशियल क्रंच को लेके थोड़ा सा स्ट्रेस है एंड आप लोग बहुत आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि फाइनेंशियल कंडीशंस 2021 में कुछ खास अच्छी नहीं रही होंगी, 2022 में भी वो थोड़ा थोड़ा, जिसे कहते हैं ना हिंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा। विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि आप एक शांति वाली जगह पर जा रहे हैं, वेयर यू आर मोर कम्फर्टेबल। With the six of swords, and ये आपकी romantic life में भी यही dominating feeling है। यहाँ पे अकेलेपन का भी मुझे feel हो रहा है, अकेलेपन की energy है with the five of pentacles। देखते हैं आपके partner क्या सोचते हैं। सबसे पहला card है the death card, seven of pentacles and the eight of cups। ओके कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। सेंट्रल फीलिंग वही है आपके पार्टनर के लिए भी, फाइनेंसेस जो हैं हैव बिकम समथिंग जिससे आप दोनों की रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रेस है। आई थिंक उनको कोई जॉब लॉस या फिर जिसे कहते हैं ना एज एक्सपेक्टेड पैसे का इनकम ना होना, खर्चा ज़्यादा हो जाना, या किसी एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना, और अभी उस प्रोजेक्ट का, उस एफर्ट का रिजल्ट आपको नहीं मिलना स्टार्ट हुआ है कैप्रिकॉर्न, ना ही आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से वो इमोशनली डाउन फील कर सकते हैं। देखिए, अच्छी बात ये है आप दोनों के इमोशनल कनेक्ट में यहाँ पे कोई भी चैलेंजिंग बात मुझे अभी तक नहीं नज़र आ रही है। जो भी स्ट्रेस रिलेटेड बातें हैं दे आर मोस्टली अबाउट फाइनेंसेस, मनी मेकिंग एंड एक वेट का जो एलिमेंट है, जो वेट का एलिमेंट है उसकी वजह से आपके पार्टनर को स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे एक एंडिंग है विद द डेथ कार्ड, डेथ कार्ड के साथ एंडिंग है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ताकि इस
सिचुएशन से मूव ऑन कर सकें। आपके मूव ऑन करने का तरीका कुछ और है, उनके मूव ऑन करने का तरीका कुछ और है। तो बेसिकली यहाँ पे मूविंग ऑन वाली एनर्जी ही मुझको ज़्यादातर दिखती है। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स में और डिटेल्स है विद दीज कार्ड्स। अभी देखते हैं ऑल टुगेदर एनर्जी कैसी है रिलेशनशिप की। देखिए यहाँ पर जो सिंगल लोग हैं और एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि अभी करियर फ्रंट और फाइनेंसेस को लेके थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है आप लोगों के मन में, जिसकी वजह से आप कमिटमेंट और शादी को आगे पोस्टपोन कर देंगे। घर में जो मदर फिगर है वो काफ़ी सेंसिटिव हैं और वो इस डिसीजन के बारे में सोच रही हैं और अभी डिसीजन नहीं ले पा रही हैं। That is another thing. नॉलेज है आपकी ऑल टुगेदर एनर्जी ऑफ द रिलेशनशिप एट द मोमेंट। इसका ये मतलब है, कार्ड पे लिखा है लेट मी कनेक्ट अबव एंड बिलो, लेट द नॉलेज ऑफ एंसेस्टर्स फ्लो। यानी कि जो स्टोरी आपकी चल रही है, जो आपका लाइफ पाथ चल रहा है आपका और आपका पार्टनर का, यहाँ पे एक पैटर्न है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कि आपको फाइनेंसेस करियर के बारे में और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये एक छोटा सा, जिसे कहते हैं ना, टेस्ट समझ लीजिए, इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। एंड इससे आप बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल कर आएंगे कैप्रिकॉर्न, आप और आपके पार्टनर दोनों, राइट। एंड अभी देख लेते हैं सम मोर मैसेजेस फॉर योर रिलेशनशिप। एंड मेरे पास कार्ड है इंक्रीज पार्ट ऑफ फॉर्च्यून। तो ये जो भी चैलेंजेस हैं ये लाइफ में जो करेंटली चल रहे हैं, दे आर पार्ट ऑफ पुशिंग यू टू योर रियल डेस्टिनी, यानी कि जो आपकी असली किस्मत है उसकी तरफ आपको पुश करा जा रहा है। आपका जो रास्ता है, जो जैसे जैसे आपने सोचा उससे डाइवर्ट करा जा रहा है। देखिए आपके एनर्जी में भी सिक्स ऑफ सोर्ड्स था, आपके पार्टनर की में भी डेथ कार्ड है, यानी कि जो तरीका आप लोग अभी तक अपना रहे थे फॉर मेकिंग मनी, फॉर स्पेंडिंग मनी, पैसा खर्चा करना, पैसा कमाना, उससे अलग हट के कुछ आपके लिए एंजल्स और यूनिवर्स का प्लान है। That is why they are creating all this situation, ताकि आपका रास्ता चेंज करा जा सके। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो Capricorn, तो प्लीज लाइक द वीडियो। एंड ये जो बाकी के कार्ड्स हैं, आई एम गोइंग टू ओपन अप सी द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप और आपके पार्टनर की फीलिंग्स में डीप डाइव, क्योंकि यहाँ पे जो एट ऑफ कप्स है दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि वो ऐसी क्या बात है जिनको उनसे बहुत, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल डिटैचमेंट की फीलिंग है। तो Capricorn मिलते हैं एक्सटेंडेड रीडिंग में। आप द ओनली वरिंग थिंग वॉज आपके पार्टनर की फीलिंग, क्योंकि वो विद द एट ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से क्विट भी कर सकते हैं, हार भी मान सकते हैं। बाय।